टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस ये हम वृंदावन दूसरी बार जा रहे हैं परिक्रमा का जोड़ा करने, गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो गाइस मैं अभी दोस्त के घर आया हूँ, वो तैयार हो रहा है, फिर दूसरे दोस्त के घर जाएंगे। सो गाइस मेरे सारे दोस्त आ गए थे, तो हमने ओला बुक करी थी, तो ओला से हम रेलवे स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन पहुंचने में हमारे को 1.25 घंटा लगा। तो गाइस हम यहाँ पे ट्रेन में बैठ के व्यू का मज़ा ले रहे थे। व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस मथुरा पहुंचने में हमारे को बस 1.5 घंटा बचा था, हम 1.5 घंटे में पहुंचने वाले थे। मथुरा से उतरने के बाद हम सबसे पहले तो गोवर्धन गए। गोवर्धन के बाद हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। परिक्रमा ख़त्म होने के बाद हमने सुबह विश्राम घाट पे हमने थोड़ी देर बैठे थे हम। तो गाइस हमने होटल लिया था, होटल के बाद हम सबसे पहले इस्कॉन आए थे। इस्कॉन में इतना अच्छा लगा, वहाँ का व्यू और राधा कृष्ण जी की मूर्ति। तो गाइस हमने एंटर करी हमने इस्कॉन में, इतना अच्छा व्यू था, कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बट हमें आना पड़ा, हमें घर तो जाना ही है। फिर इसके इस्कॉन के बाद हमने थोड़े बहुत शॉट्स लिए अंदर की, कान्हा जी की, राधा रानी जी की बहुत सारे शॉट्स लिए, वीडियो बनाई हमने। इस्कॉन टेंपल के बाद हम निधिवन के लिए निकल गए थे। निधिवन इस्कॉन से निधिवन के लिए 20-30 रुपये के रिक्शे मिल जाते हैं। तो वहाँ पर हम पहले सबसे पहले निधिवन के पास जो यमुना घाट है वहाँ पर हम नए नाव में बैठे, इतने एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। गाइस फिर निधिवन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, खुलते वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं, बहुत लोग आए थे दूर दूर से सब देखने निधिवन को। निधिवन का व्यू ऐसा लग रहा था मानो कि एक दूसरे से पेड़ आपस में जुड़े हों। वीडियो बनवा लो। तो गाइस मुझे निधिवन में छोटी सी क्यूट सी बच्ची मिली थी। फिर उसके बाद हमने कान्हा जी के दर्शन करे निधिवन में, इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग इतने, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे दोस्तों को भी। निधिवन के बाद हम बांके बिहारी जी के लिए निकले। निधिवन से बांके बिहारी जी का रास्ता 20 मिनट का है पैदल। फिर हम बांके बिहारी पहुँचे। पहुँचने के बाद इतनी भीड़, बांके बिहारी में भी बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यह पैर रखने की जगह नहीं थी सामने। फिर हम जाके दर्शन करे, दर्शन करने के बाद इतना अच्छा लगा, मन नहीं कर रहा था घर आने का, फिर भी घर तो आने था। कान्हा जी इतने सुंदर प्यारे लग रहे थे। गाइस फिर हम बांके बिहारी जी के बाद हम वैष्णो देवी जी मंदिर गए। बांके बिहारी से वैष्णो देवी जी मंदिर रिक्शे वाले 10-20-30 रुपये सवारी लेते हैं। हम वैष्णो देवी गए, इतनी बड़ी मूर्ति वैष्णो देवी जी माता की, इतनी बहुत बड़ी थी मूर्ति। दोस्तों ने फिर जयकारा लगाया।
तो भाई यहाँ पे हम ब्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।